दीपिक सारी चूज अ नाउन और नॉट अभी 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 टाइप ही हुआ था। टाइप ही पढ़े थे, सारे टाइप पढ़ लिए थे इंटरोगेटिव तक। नो नहीं पढ़े थे तो कहाँ पर हम लोग इंटेंसिव हो गया था, रिफ्लेक्सिव यस लेट मी इनडिफिनिट नहीं स्टार्ट बाय बता। एक्सप्लेनिंग। ओके लेट मी स्टार्ट अगेन। मतलब होता है इसलिए नहीं बता सकते हैं कि क्या है। आप स्पेसिफिकली किसी चीज को रेफर नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी को भी बोल सकते हैं या फिर आपको नहीं पता कि कितने लोग हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट का मतलब आप डेफिनेटली श्योर नहीं है कि कितने लोगों को या किसको आप बोल रहे हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली ये वर्ड, ये सारे यहाँ सारे वर्ड्स जब यूज होते हैं, इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम सेंटेंस में डाल रहे हैं दैट इज एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिट कार्ड फोटो स्टेटस सो दैट दे कैन बी अलाउड टू एंटर इन द क्लास। आप सभी को बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि हमें स्पेसिफिक डाटा है, जैसे एडमिट कार्ड आपको लाने बोला जा रहा है एग्जाम के लिए, तो मुझे पता है स्पेसिफिकली कि कितने बच्चे, अगर मैं चाहूँ तो ये डाटा गैदर कर सकती हूँ कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और कितने एग्जाम देने के लिए आएंगे, लेकिन कितने एग्जैक्टली देने आएंगे ये तो नहीं पता। तो जितने लोग, जितने बच्चों को यहाँ पर एडमिट कार्ड पूछा गया है या फिर जितने बच्चों का एग्जाम है, उन सभी को मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो भी एग्जाम देने आएगा वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपना एडमिट कार्ड फोटो स्टेट करा के लाएंगे ताकि हम यहाँ पर अलाउ कर सकें अंदर आना। तो यहाँ पर एवरीवन मतलब स्पेसिफिकली आपको डाटा निकालना प्रॉब्लम नहीं है, आप डाटा निकाल सकते हो कि कितने बच्चे का एग्जाम हो रहा है एग्जैक्ट। चार लाख बच्चे हैं उन्होंने रजिस्टर किया है, तो अब उसमें वैसे तो सेंटेंस नहीं बनेगा कि 5 लाख स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर 5 लाख स्टूडेंट इस तरह का सेंटेंस नहीं बनेगा, बहुत अटपटा लगेगा। तो एवरी वन एनी वन यहाँ पर यूज होता है बेसिकली इस तरह के सिचुएशन में। एनी वन वाला स्पेसिफिकली यूज होता है जब आपको क्राइम मैम आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है मैम। ओके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। ऐसा सिर्फ इंटरव्यू को बोलना होता है। में यूज होता है या एनीबॉडी किसी सिचुएशन में अगर यूज होता है या एनीथिंग किसी सिचुएशन में यूज होता है, तो इसका मतलब हम किसी क्राउड में, पूरा एक क्राउड है हमारा, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल है या क्राउड ऑफ
यहाँ पर क्राउड ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, उनमें से किसी एक को या कुछ लोगों से ये क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ लोगों को आंसर करने बोल रहे हैं। जैसे मैं कभी क्लास में समझाती हूँ तो पूछती हूँ एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क मी। तो यहाँ पर एनीवन क्यों हमेशा यूज होता है, ताकि जितने लोगों को डाउट है वही रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसको डाउट नहीं है वो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत उनको नहीं है। देर इज नो नेसेसिटी फॉर यू कि एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पर जरूरी उनके लिए है रिस्पॉन्ड करना जिनको डाउट है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल एनी थिंग दैट कैन रिप्लेस दिस चेयर वुड बी वेरी नाइस, इसका मतलब कि कुछ भी इस चेयर को रिप्लेस अगर करेगा तो वो अच्छा है। तो कुछ भी में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे 10 चीजें चाहिए, कोई एक चीज भी हो सकती है, कोई दो चीज भी हो सकती है। मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर वो चीज जो इसको रिप्लेस करेगी तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा, दैट थिंग आई एम रेफरिंग टू। तो एनी थिंग जो है आपका स्पेसिफिक नहीं, लेकिन एक या दो चीजों को या एक या दो पर्सन के लिए होता है, जिसको हम क्राउड में से या ग्रुप में से उनको खुद चूज करने बोलते हैं या फिर उनको किसी और को चूज करने बोलते हैं। मतलब ये एनी थिंग एनी पर्सन जो है वो मैं खुद नहीं चूज कर रही हूँ कि एनी पर्सन कौन है, ठीक है। इफ आई से एनी वन और एनी बडी कैन कम इन कैन रजिस्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी रजिस्टर कर सकता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। या फिर एनी वन हु हैज क्वालिफाइड 10th एग्जामिनेशन और 12th एग्जामिनेशन कैन रजिस्टर। तो यहाँ पर एनी वन और किस ग्रुप में से मैं बोल रही हूँ, वो बच्चे जो 10th पास कर चुके हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम आपका मिनिमम ग्रुप होगा स्टार्ट 10th पास स्टूडेंट से और मैक्सिमम जाएगा 12th पास स्टूडेंट में। मतलब इस एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं या इस क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन के जो बच्चे हैं उन सभी में से ही मैं यहाँ बोल रही हूँ कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर होने के लिए एप्लीकेशन हो सकता है मेरे पास 10,000 आए, 5,000 आए, 1,00,000 आए, ठीक है, कितने भी एप्लीकेशन आ सकते हैं, लेकिन वही अप्लाई करेंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं। अंडरस्टूड? समवन यूज होता है जब आप स्पेसिफिक नहीं है कि जब आप जानते नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समवन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, कोई तो प्रेजेंट था क्लास में, आपको नहीं पता कौन देयर एंड जस्ट वेंट अवे, मतलब कुछ था वहां पर रखा हुआ और वहां से चला गया या वहां से हटा दिया गया, ठीक है। तो समथिंग हो गया या समवन हो गया, मतलब जरूरी नहीं कि कोई एक ही चीज हो, लेकिन जितना भी था या जो भी लोग थे वहां पर उनका मुझे आइडेंटिटी नहीं पता है कौन था या क्या था, कि somebody और something यूज होगा। Understood? Is there any doubt in indefinite pronouns? No, ma'am. चलिए कोई डाउट नहीं। सेवेंथ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बांट देना, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हो गया एवरी हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ईच यहाँ पर 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट्स को मुझे कुछ बोलना है, एक ही सेंटेंस मुझे 20 स्टूडेंट को सबको एक एक बार करके बोलना है, ठीक है, या सबके लिए एक एक करके बोलना है वो स्टेटमेंट जो है 20 सेंटेंसेस हैं और उनको मुझे ये बोलना है 20 पर्सन को एक ही सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपको एक पेपर दिया है, उस पर आप अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, ठीक है, ये मुझे 20 स्टूडेंट को रिपीट करना है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक्स तुम अपना नाम लिखो उस पेपर पे, रोल नंबर लिखो, वाई तुम अपना नाम लिखो, अपना रोल नंबर लिखो, ए तुम अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट 20 टाइम्स, व्हाट विड आई डू, मैं यहाँ पर ईच लगाऊंगी, यानी कि ईच वन ऑफ यू, ठीक है, राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन द पेपर गिवन।
यानी कि इस सेंस में ये कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ईच में जो भी लोग आ रहे हैं जो वहां पर प्रेजेंट हैं, उन लोगों को जो पेपर मिला है उस पे अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। अंडरस्टूड? तो ईच का मतलब यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ईच का मतलब जितने भी पर्सन थे उसमें ये सेंटेंस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि जितने 20 स्टूडेंट हैं उन सभी को ये सेम स्टेटमेंट या सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ठीक है। ईच का पता चल गया। आइदर और कब यूज के? दो ऑप्शंस जब रहेंगे आपके पास उन केस में यूज होगा। उसी केस में आइदर और यूज करने का मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शन है और दो में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। आइदर यू कैन विजिट योर ग्रैंडमदर और यू कैन गो फॉर अ वेकेशन, यानी कि या तो आप अपने ग्रैंडमदर को जाके विजिट कर सकते हैं या फिर आप वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो आइदर और यानी कि दो ऑप्शन है, दो में से कम एक तो आप चूज करोगे ही। दोनों चूज करो, दैट इज योर अप टू यू, ठीक है। अगर आप दोनों चूज करना भी चाहते हो तो दैट इज अप टू यू। आप लास्ट में यहाँ पर आप जो भी आंसर करो दैट इज अप टू यू। मैंने आपको दो ऑप्शन दिया, दैट ईदर वेकेशन, ये दो ऑप्शन मैंने दिया, मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए। एनी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने ग्रैंडमदर को विजिट कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शिमला जाके घूम सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि हम रांची जा सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है, या दिस इज मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, दिस इज अप टू यू मतलब आप पे डिपेंड करता है चूज कर रहे हो, ठीक है। कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप जब आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं चूज करने के लिए, राइट। आपके पास कैरमल है, आपके पास वनीला है, आपके पास स्ट्रॉबेरी है, आपके पास मैंगो है, बनाना है, बहुत सारे फ्लेवर है चूज करने के लिए। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, दैट मीन्स आप कोई भी एक वहां पर चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी ऑफ देम मतलब आप कोई भी वहां पर चूज कर सकते हैं। एनी वन स्पेसिफिकली बोलने का मतलब कोई एक चूज करेंगे, एनी चूज करने का मतलब है कि यू कैन चूज एनी ऑफ देम, इसका मतलब कि उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि एक ही। वॉइस नहीं आ रहा, फिर से वॉइस नहीं आ रहा? नो, आई हैव कनेक्टेड टू अ स्टेबल नेटवर्क, नेटवर्क तो नहीं है प्रॉब्लम इस पर। मैम बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा मैम, अभी सही है मैम। नहीं बच्चे, स्टेबल तो है कनेक्शन, मैंने अपना मेरा नहीं चल रहा था तो मैंने वाईफाई चला के देखा, वाईफाई से अच्छे ऐसे चल रहा है। तो कट जा रहा है, दैट इज ऑल राइट, आई एम यूज करना है। अगर एनी वन स्पेसिफिकली बोल दिया कि यू कैन चूज एनी वन ऑफ द फ्लेवर, इसका मतलब कोई एक आप स्पेसिफिकली चूज करेंगे। एनी ऑफ द फ्लेवर बोलने का मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जितने भी फ्लेवर अवेलेबल हैं उसमें से आप कितने भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दो फ्लेवर का खाने का मन है, आइसक्रीम, या फिर आपको सैंडे खाने का मन है, तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर चूज करना चाहते हैं दैट इज आपको चॉइस है, आप कितना भी चूज कर सकते हो। एनी वन बोल दिया मतलब इसके में से कोई एक, जितना भी ऑप्शन है, दो से ज्यादा ही ऑप्शन है इसीलिए एनी लगा, और जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई एक, एनी वन का मतलब होता है। नाइदर नॉर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज नहीं कर रहे हो या आपको चूज नहीं करना है, ठीक है, या फिर आप चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कोविड देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो इन दैट केस Neither you can visit your grandmother nor can you go for a vacation. तो यहाँ तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आप दोनों में से कोई ऑप्शन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि अगर
आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, इट इज अलाउ दैट यू कैन ट्रैवल। अगर आपने वैक्सीन, जैसे वैक्सीनेटेड हो गए तो आपको सर्टिफिकेट दिखा के यू आर अलाउड टू ट्रैवल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको जाने का मन नहीं है या आपको वहां पर जाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो नाइदर कैन आई विजिट माई ग्रैंड मदर नॉर कैन आई गो टू वेकेशन। इसका मतलब आपको जाने का मन नहीं है या फिर आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स अदर देन इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबल है लेकिन फिर भी आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं करना चाहते हो, या फिर आपको साफ जाना ही नहीं है, नाइदर डू आई वॉन्ट टू विजिट माई ग्रैंड मदर नॉर डू आई वॉन्ट टू गो टू वेकेशन। ना ही मुझे जाना है अपने ग्रैंड मदर को विजिट करने, ना ही मुझे वेकेशन पे जाना है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आप चूज नहीं करना चाहते हो, ठीक है। नाइदर डू आई लाइक चॉकलेट फ्लेवर, नाइदर नॉर आई लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, तो यहाँ पे दोनों ही आइसक्रीम्स आपको नहीं पसंद है फ्लेवर में, तो यू कैन यू आर नॉट गोइंग टू चूज एनी ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर नन जो आ जाता है, नाइदर का क्लियर हो गया दैट यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन नॉट चूज द ऑप्शन, आप चूज ही नहीं कर सकते दोनों में से कोई ऑप्शन, या फिर आप चूज नहीं करना चाहते हो दोनों में से कोई ऑप्शन, बोथ द केसेस आप नाइदर नॉर यूज करेंगे। नन आप यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू चूज, व्हेन यू आर गोइंग टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू चूज मोर देन वन ऑप्शन, जब जैसे मैंने बताया कि आपके पास आइसक्रीम फ्लेवर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे फ्लेवर्स अभी बोले लेकिन उसमें से चॉकलेट नहीं बोला, राइट, आई सेड दैट यू हैव द ऑप्शंस ऑफ वैनिला, कैरामेल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, बट यू डोंट हैव चॉकलेट, और आपको चॉकलेट ही पसंद है, तो इस केस में नन ऑफ द फ्लेवर्स आर ऑफ योर लाइकिंग एंड यू वुड नॉट ईट एनी आइसक्रीम। तो यहाँ पर नन यूज करने का मतलब ये है कि आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन है और उसमें से कोई भी आप चूज नहीं कर रहे हो या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ द केसेस में, बोथ मतलब होता है कि दो केसेस है और दोनों में साथ साथ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोथ यूज कब करते हैं हम, बोथ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो चीजें रहें जो साथ में हो रही हैं, जैसे कि बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, दोनों ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे क्लास में, ठीक है, कोई भी दो स्टूडेंट है या फिर कोई पर्टिकुलर दो स्टूडेंट है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ और वो दोनों ही क्लास में प्रेजेंट थे, ठीक है। बोथ द फ्लेवर्स आर ऑफ माई लाइकिंग एंड आई वुड लाइक टू ट्राई बोथ ऑफ द फ्लेवर्स, ठीक है, या फिर दोनों ही फ्लेवर, जैसे आपने चॉकलेट भी ट्राई करना है, कैरामेल भी ट्राई करना है, तो आप दोनों ही फ्लेवर ट्राई करना चाहते हो, तो यू वॉन्ट टू यूज बोथ द फ्लेवर और यू वॉन्ट टू ईट बोथ द आइसक्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ यूज करने का मतलब ये है कि आप दोनों ही चॉप ऑप्शन जो हैं वो साथ में चूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया नहीं जा रहा है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, आइदर और में आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, आपको बताया जाता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, बोथ में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, आप उन दोनों को साथ में चूज करते हो, ठीक है। व्हेन यू आर, जैसे आपसे पूछा जाए कि आइदर यू कैन ईट चॉकलेट आइसक्रीम और यू कैन ईट वेनिला आइसक्रीम, ये आपका ऑप्शन है, आपका आंसर अगर दोनों है चूज करना दैट विल कंटेन बोथ, ठीक है, अगर आपका आंसर ये है कि आपको दोनों चूज करना है तो उस केस में आपका आंसर में बोथ रहेगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू ट्राई बोथ द आइसक्रीम्स, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया सबको, डिस्ट्रीब्यूटिव में किसी को कोई डाउट, ओके, नहीं है डाउट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जो आपका रेसिप्रोसेट करता है, मतलब कि दोनों, दो पर्सन है या दो से ज्यादा पर्सन है, वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं या आपस में उनका क्या रिलेशन है या आपस में उनका क्या ओपिनियन है, इन सब चीजों के बारे में अगर बात करते हैं तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब यहाँ पर आपस में जो सब्जेक्ट्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आपस में किस तरह का वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ईच अदर आपका यूज होता है व्हेन यू आर यूजिंग और व्हेन द सेंटेंस कंटेन टू सब्जेक्ट्स,
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रीता एंड सीता आर ट्विंस बट दे आर ऑपोजिट इन नेचर टू ईच अदर. ठीक है, यानी कि वो नेचर में एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, इसके बावजूद कि वो ट्विंस. तो ईच अदर से ऑपोजिट होना यानी कि उनका आपस में जो, उनको आपस में जो वहां पर उनका रिलेशन है, ठीक है, या उनका जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. ठीक है, यानी कि दोनों के नेचर को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, उस केस में आप ईच अदर यूज करते हैं. अंडरस्टूड? वन अनदर आप यूज करते हैं जब आपका सब्जेक्ट नंबर दो से ज्यादा होता है. फॉर देयर ब्रदर्स, ठीक है, देयर आर थ्री ब्रदर्स इन अ फैमिली एंड दे लुक आफ्टर टू वन अनदर, यानी कि तीनों भाई जो हैं वो एक दूसरे की एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. ठीक है, एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं. दे लुक आफ्टर वन अनदर, तो तीन हो गया यानी कि दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया, तो उस केस में वन अनदर यूज करोगे. है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू सम पर्सन, अगर आप बात करते वक्त किसी पर्सन से रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं, तो बहुत जगह आपने सुना होगा ऐसा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें सब्जेक्ट दो से ज्यादा है, उसके बावजूद ईच अदर यूज हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, ठीक है, वो बस बहुत ज्यादा रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, इंग्लिश हम लोग यहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं. हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो भी हमारा मदर टंग है, वो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है. तो वहां पर हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश ना होने के कारण हम बात करते वक्त बहुत सारे रूल्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, या कोई और जब आपसे कुछ बोल रहा है तो उस टाइम भी आप उसके बात, उसके मैसेज पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये, जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर अगर आपको जो जो लीडर हैं आपके, जो मैनेजर हैं या जो चेयरपर्सन हैं, वो अगर आपको मोटिवेट करने के लिए कोई स्पीच दे रहे हैं, तो उस केस में अगर वो आप सभी को साथ में काम करने के लिए कह रहे हैं, तो यू कैन हेल्प ईच अदर, तो इसका मतलब वहां पर मैसेज ये जाना चाहिए कि आप एक दूसरे की हेल्प करें. तो आपको उतना ही समझना जरूरी लगता है, इसीलिए आप वहां पर किसी को करेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैनरिज्म. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैनर्स यू कैन नॉट करेक्ट समवन व्हेन यू आर बीइंग मोटिवेटेड. ठीक है, और या फिर आप बहुत ज्यादा ऊंचे पोस्ट के लोगों से अगर बात करते हैं, तो इस तरह सबके सामने आप करेक्ट नहीं कर सकते उन्हें. ठीक है, या तो आप प्राइवेटली उन्हें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, सो दैट प्राइवेटली उन्हें पता चले कि वो गलती कर रहे हैं, इफ यू वांट टू टेल. अदरवाइज इट इज बेटर टू कीप क्वाइट. अगर आप सबके सामने किसी की गलती निकालते हैं, तो वो इंसल्टिंग होता है. ये चीज याद रखिएगा फॉर फ्यूचर, इफ यू आर वर्किंग इन एनी वर्क प्लेस, आपको सामने से किसी की गलती कभी भी सबके सामने नहीं बतानी. आप शांति से, आराम से बैठकर अकेले में किसी को बता सकते हो कि हाँ भाई तुमने ऐसा बोला था, ये थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ये केस जो होता है ईच अदर या वन अनदर वाला जो केस होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ऑफन मिसयूज्ड इन कॉन्वर्सेशन. ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में जब आप ओरली बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उस केस में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं उनको बहुत ही मिस अंडरस्टूड किया जाता है. और हर जगह, मेरे ख्याल से आपने बहुत कम सुना होगा किसी को वन अनदर यूज करते हुए, आप हर जगह ईच अदर ही यूज करते हुए सुनते होंगे, राइट? तो यही केस होता है कि आपको ध्यान देना है कि ठीक है, उस पर ये इंपॉर्टेंट है याद रखना. ठीक है, ईच अदर सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, अनदर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए. ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास PSCIIT सेकेंड ईयर, दे सपोर्ट वन अनदर. तो आप लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो वन अनदर हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज. ठीक है,
मोर देन टू. आई होप रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज क्लियर टू एवरीवन. चलो यस मैम. क्लियर है तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन. वेरी गुड. वन क्वेश्चन रेजिंग इन माय माइंड. लेट्स स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन. सॉरी हेलो मैम, वन क्वेश्चन इज कैन वी. हाँ बच्चे बोलो. कैन वी से टुगेदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. टुगेदर नहीं, टुगेदर आपका रेसिप्रोकल नाउन नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला कर रहा है उसके सपोर्ट में आप दूसरा पंदा भी वही काम कर रहा है. टुगेदर का मतलब आप साथ मिलके कुछ कर रहे हैं, ठीक है. जैसे आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं दे आर लर्निंग टुगेदर, तो साथ मिलके आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो साथ मिलके करना दैट इज डिफरेंट थिंग. ईच अदर का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, आप एक दूसरे से समझ रहे हो, आप एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ एक दूसरे के हेल्प करना या एक दूसरे से सीखना, ये सब एक दूसरे वाला जब फेवर आ जाता है तो उस केस में आप यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं. ओके. टुगेदर साथ, अगर दो सब्जेक्ट हैं तो साथ साथ कुछ काम कर रहे हैं. ओके जैसे मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली, जो पूरी फैमिली है वो साथ में मिलके पिकनिक गई, ठीक है. तो आर होल फैमिली वेंट टू पिकनिक टुगेदर, मतलब पूरी फैमिली साथ मिलके पिकनिक गए. लेकिन माई होल फैमिली सपोर्ट वन अनदर का मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. माई होल फैमिली हेल्प ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. माई होल फैमिली वॉन्ट्स टू नो अबाउट वन अनदर, मतलब वो एक दूसरे के बारे में जानना चाहते. ओके यस मैम. यानी दो दो के बीच ईच अदर, और दो से अधिक के बीच होना. नहीं नहीं नहीं, टुगेदर आपका नहीं रहता. टुगेदर हाँ मतलब ईच अदर रहेगा जब दो रहेगा, वन अनदर रहेगा जब दो से ज्यादा रहेगा, ठीक है. यस मैम. यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आप रिलेशन बता रहे हैं किसी चीज का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का वर्ब से, सब्जेक्ट का किसी ऐसे चीज से जिस जो ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन कोई थिंग है उससे, ठीक है. तो ये सारा रिलेशन बताने के लिए यूज होता है. स्पेसिफिकली आपको याद क्या रखना है, ये तीनों whom, whose और who, ये तीनों पर्सन के लिए यूज होते हैं. ये तीनों पर्सन के लिए यूज होते हैं. हु जो है, हु आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, यानी कि अगर आप कहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यूज होगा हु. ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा हुम. अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप whom यूज करेंगे. अगर आप पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप पोजेशन बता रहे हैं तो यहाँ पर whose यूज करेंगे, ठीक है. ये तीनों सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है. अब इसको कैसे यूज करते हैं, सेंटेंसेस अगर हम फॉर्म करें तो दिस रवि वॉज द पर्सन हु वेंट टू who met the manager, ठीक है. रवि वो पर्सन है जो मैनेजर से मिला था, ठीक है. तो यहाँ पर रवि आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए लगाया गया है who, रिलेट करने के लिए कि रवि वो पर्सन है, कौन सा पर्सन है जो मैनेजर से मिला था. ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, रवि पर्सन है, कौन सा पर्सन है जो रवि ही वो पर्सन है, कौन सा पर्सन है जो मैनेजर से मिला था. इन दोनों को हमने ज्वाइन करने के लिए क्या किया, हु यूज किया, यानी कि रिलेट करने के लिए कि रवि जो है उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजर से मिला था. तो ये रिलेशन बताने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं. हुम आप कब यूज करेंगे, हुम आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यस द थीव्स, दीज वर द थीव्स हुम वर कॉट बाय द पुलिस. अब पुलिस ने
चोरों को पकड़ा, ठीक है, ये आपका मीनिंग है सेंटेंस का। तो ये वही चोर हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा। तो पुलिस ने पकड़ा यानी कि पुलिस ने काम किया, तो पुलिस आपका सब्जेक्ट हुआ, लेकिन किसको पकड़ा, थीव्स को पकड़ा, तो वो आपके ऑब्जेक्ट हुए। तो थीव्स के लिए अगर आप लगा रहे हो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप हुम लगाओगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर दीज वर द थीव्स हुम वर अरेस्टेड और हुम वर कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, अब पोजेशन के लिए कैसे लिखोगे? पोजेशन के लिए अगर कोई सेंटेंस आप बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा, यस, रीता वॉज द गर्ल हुज बुक वॉज लॉस्ट। ठीक है, रीता जो लड़की थी, या रीता वही लड़की है जिसकी किताब खो गई थी। ठीक है, तो उसकी किताब खो गई थी यानी कि पोजेशन बता रहे हो, वो किताब रीता की थी, पोजेशन बता रहे हो तो पोजेसिव प्रोनाउन लगना चाहिए, और रिलेशन भी बता रहे हो तो इस केस में आपका हुज लगेगा जब आप पोजेशन भी बता रहे हो और रिलेशन भी बता रहे हो। तो रीता वॉज द गर्ल हुज बुक वॉज लॉस्ट। ठीक है, विच और दैट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं, थिंग्स। ठीक है, बॉटल, बैग, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, इन सब के लिए विच और दैट यूज होता है। तो कहाँ पर विच यूज होगा, कहाँ पर दैट यूज होगा? दैट आपका यूज होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, डू यू सी द रेड, नहीं, यू हैव टू सी द रेड कार दैट आई बॉट। ठीक है, मतलब तुम्हें वो रेड कार देखनी चाहिए जो मैंने खरीदी। ठीक है, तो रेड कार जो है वो एज इन सब्जेक्ट के प्लेस में है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम जो करता है, तो ऑब्वियसली कोई थिंग तो काम नहीं कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब्जेक्टिव यानी कि जो सब्जेक्ट के प्लेस में है। ठीक है, यानी कि यू शुड सी द रेड कार दैट आई बॉट। ठीक है, आई बॉट अ कार विच इज रेड इन कलर। अंडरस्टूड? यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लेस में, समझे? ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लेस में, आई बॉट अ कार विच इज रेड इन कलर। तो यहाँ पर कार आपकी ऑब्जेक्ट की प्लेस में आ रही है, तो उसके लिए जब आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो विच लगाएंगे। मैम कभी कभी मैम व्हाट का भी यूज कर लेते हैं। नहीं नहीं दिस इज नॉट द, वही तो मैं बता रही हूँ बच्चे, बोलते वक्त तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। Nobody is correcting you when you are talking, but according to the rule, you should not use which for a person. ये और specifically ये आपका interrogative है, which यहाँ पर interrogative pronoun है, relative pronoun नहीं है। ठीक है, relative pronoun नहीं है, ये interrogative pronoun है which यहाँ पर, which person wants to talk or which person wants to go for a talk, ये आपका question है। जब क्वेश्चन हो जाता है तो वो वहां पर विच, हु, हुम, ये सारे रिलेटिव नहीं रह जाते, ये इंटरोगेटिव हो जाते हैं। अंडरस्टूड? हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क के लिए, तो फिर भी वहां पर तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है ना विच के बाद, अब तो हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं कर रही हो यहाँ पे। बच्चे विच के बाद जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब लगाना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि विच के बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका स्पेसिफिकली एक किस जगह यूज होना चाहिए, किस जगह नहीं यूज होना चाहिए, वो आई विल टीच यू व्हेन यू आर लर्निंग द वर्ब। ठीक है, यहाँ पर विच रिलेटिव है, विच आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है। जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया दैट मीन्स इट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया लास्ट में वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए बता रही हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन में विच हमेशा थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, आई बॉट अ बुक विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दिस बुक वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ, द बुक रविंद्रनाथ टैगोर रोच दैट आई बॉट।
ठीक है, जो बुक मैंने खरीदी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो जब सब्जेक्ट के प्लेस में वो ऑब्जेक्ट थिंग है तो आप वहां पर दैट लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट के प्लेस में वो थिंग है तब आप विच लगाएंगे। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। ऑलवेज रिमेम्बर, जहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, अगर हु हुम हुज विच दैट क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं यूज हुआ है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये हु हुम हुज ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड भी हैं, ये सेम वर्ड्स आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। ठीक है, तो जहां क्वेश्चन मार्क लग गया मतलब वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रह जाता है। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दैट। ठीक है, कम्प्लीटली ऑपोजिट तो नहीं है बट यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मार्क, मैंने जो सेंटेंस आपको बोला उसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं था, चाहे मैंने हु यूज किया चाहे मैंने होम यूज किया, कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क सुनाई दिया। ठीक है, दीज वर द थीव्स हुम वर कॉट बाय द पुलिस, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी के लास्ट में। ठीक है, रीता वॉज द गर्ल हुज बुक वॉज लॉस्ट, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, दिस आर रिलेटिव प्रोनाउंस। जब क्वेश्चन लग जाएगा हु लॉस्ट द बुक, ठीक है, किसने लॉस्ट किया, किसने खो दिया अपना बुक, रीता ने खोया, दैट बिकम्स योर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हुज बुक इज दिस, ठीक है, हुम डिड यू गिव द बैग, ठीक है, विच पर्सन वेंट टू द जू, और हु वेंट टू द जू, विच वॉज द बुक दैट यू चोज, ये सारा चीज आपका इंटरोगेटिव में चेंज हो जाता है। स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आप बात कर रहे हैं आपके बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यू नेवर लिसन टू दैट केयरफुली विच रूल्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया है कि विच किस जगह किस चीज के लिए यूज होता है। अगर क्वेश्चन लगा रहे हो दैट मीन्स इट इज इंटरोगेटिव, अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो दैट मीन्स इट इज रिलेटिव। And same words are used for interrogative. मैं ऐसा condition what के साथ भी आता है। What के साथ? मतलब? जैसे मैं दो sentence बोलता हूँ कि what I am saying and which I am saying, दोनों में से कौन सा sentence सही है? What I am saying और which I am saying, both में से कौन सा सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। Which I am saying is not correct. What I am saying is correct. Which I'm saying is not correct. ये भी तो relative का काम कर रहा है ना यहाँ पे? नहीं। What I'm question है ना? मतलब मैं जो कह रहा हूँ। What I'm saying is a question, not a statement. मैं as a statement भी use कहीं करते हैं, मैं speech सुना हूँ, वहाँ पर भी लोग use करता है। इसका मतलब वो गलत बोलता होगा। बच्चे सुना नहीं, पढ़ा है जहाँ पर वो बताओ। अगर कहीं पढ़ा है तो बताओ, सुना नहीं। सुनने वाला रूल्स यहाँ पर मत बताओ। सुनने वाला बहुत सारा रूल्स आप, मैंने बोला ना आपको, वन अनदर किसी के भी मुंह से आपने कभी सुना है? वन अनदर कहीं पे भी सुना है? कोई एक एग्जांपल बता दो। इतने सारे स्पीच आपने सुने होंगे, आप गूगल पे ही यूट्यूब पे ही खोल के बता देना मुझे, कहीं पर भी आपने वन अनदर सुना हो तो। स्पेशली इंडियन पीपल नहीं सुना है ना ये? यही बोलने वाला इज अ डिफरेंट थिंग। लिखने वाला जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना तुम, न्यूज़पेपर पढ़ना इंग्लिश वाला, वहां पे कहीं मुझे ये स्टेटमेंट लिख के दिखाओ कि विच आई एम सेइंग, ये स्टेटमेंट जो है मुझे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल में खोज के दिखा देना। ट्राई दैट थिंग, ठीक है? मेरा भी तरीका एक बार अपनाइए। आपने सुना होगा दैट आई अलाउ, ठीक है? मैं समझ गई कि आपने बहुत कुछ सुना, मेरा तरीका अपना के दिखाओ। मैं जो यहाँ बता रही हूँ वो स्टेटमेंट अगर आपको इनकरेक्ट लग रहा है या इनकरेक्ट आपको लग रहा है या इनकरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो कि करेक्ट है या नहीं, आर्टिकल उठाओ, न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स देखो, ये सारे टाइम्स ऑफ इंडिया देखो, ये सारे न्यूज़पेपर लेके आओ इंग्लिश में, वहां पर ये स्टेटमेंट खोज के दिखाओ, तब तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ठीक है, वो जो लिखा होता है ना आर्टिकल, ये आधा नहीं समझने का कारण यही होता है कि दैट यू डोंट नो व्हाट रूल्स आर बीइंग अप्लाइड। वहाँ पे एडिटर्स जो बैठे रहते हैं हर आर्टिकल लिखने के लिए, चेक करने के लिए, वो यही चेक करते हैं कि वहाँ पर ये इस तरह की गलती ना हो, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ, उसको उठा के कोई केस कर सकता है कि तुम गलत
इंग्लिश कैसे लिख सकते हो, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, उसको उठा के कोई थोड़ी यहाँ पर बोलेगा कि तुम गलत इंग्लिश बोल रहे हो। किसको आप केस करने जाओगे कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो, आप गलत यहाँ पर स्टेटमेंट बता रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच आई एम ट्राइंग टू से इज हाफ पार्ट ऑफ दी सेंटेंस, अगर ये हाफ पार्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। इसके आगे वाला स्टेटमेंट बताओ, अगर यहाँ पर करेक्शन करना है, अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट यूज हो सकता है विच आई एम सेइंग, तो इसके आगे वाला स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, क्या आप बोल रहे हैं विच आई एम सेइंग के आगे वाला स्टेटमेंट बताइए। विच के आगे वाला जो स्टेटमेंट होगा वो कोई थिंग होगा, पर्सन नहीं। यस मैम, मैं यही बोल रहा था कि विच वाला जो है गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ आप बोल रहे थे कि व्हाट का यूज हम रिलेटिव रिलेशन के लिए नहीं कर सकते, कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, व्हाट का यूज आप रिलेशन के लिए कैसे कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक बार स्टेटमेंट बता के बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, व्हाट का रिलेशन में कैसे कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। व्हाट आई एम सेइंग, ये भी एक क्वेश्चन है, इसके आगे सी रिलेटिव क्वेश्चंस या फिर रिलेशन वाले रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं दे आर नेवर इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अभी मैंने जितने भी स्टेटमेंट आपको रिलेटिव वाले बताए उसमें कहीं पे भी ना तो हु फर्स्ट में आ रहा था, ना ही व्हेन फर्स्ट, ना ही हुज फर्स्ट में आ रहा है, ना ही हुम फर्स्ट में आ रहा है, क्योंकि उसके आप रिलेशन बता रहे हो ना, तो जब आप पूरा सेंटेंस ही नहीं कर रहे हो तो मैं कैसे बताऊं कि रिलेशन में है या इंटरोगेशन में है। सेंटेंस तो कंप्लीट बताओ। ठीक है, इफ यू हैव हर्ड सच स्टेटमेंट्स तो वो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट लेके आओ, फिर मैं बताऊंगी कि वहां पर कहां पर एरर हो रहा है, क्या गलत यूज हुआ है, क्या सही यूज हुआ है। ठीक है, जब आप रिलेशन रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो रिलेशन बता रहे हो, इसका मतलब पहले वो चीज डिस्कस की जा रही है जिसका रिलेशन आपको बताना है रिलेटिव प्रोनाउन के आगे। तो इफ यू आर नॉट टेलिंग दिस लोकेशन, ये आप नहीं बता रहे हो रिलेशन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया। व्हाट को आप रिलेटिव प्रोनाउन कैसे लिख सकते हो इफ इट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट। मैम व्हाट आई एम सेइंग इसका हिंदी मीनिंग क्या है एक्चुअल में? मैं क्या कह रहा हूं, हेलो, यस बच्चे, व्हाट आई एम सेइंग इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा मैम? मैं क्या कह रहा हूं? नहीं मैम, जो मैं कह रहा हूं इसका ये मीनिंग निकलता है। नहीं, व्हाट एम आई सेइंग होता है मैं क्या कह रहा हूं इसका मतलब ये होता है। तो व्हाट एम आई सेइंग में कैसे उलट गया यहां पर आंसर? अगर व्हाट आई एम सेइंग कहते तब ये इंटरोगेटिव है, अदरवाइज व्हाट आई एम सेइंग कहते हैं तो मैम ये इंटरोगेटिव नहीं, वो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन तब तक नहीं होगा जब तक आप रिलेशन नहीं बता रहे हो किसी चीज का। आप किस चीज का यहां पर रिलेशन बता रहे हो ये एक्सप्लेन करो। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ये सेंटेंस है। यस तुम उल्टा बोलोगे इसलिए तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, उल्टा बोलोगे तो फिर कैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कह रहा हूं वो तुम समझ नहीं रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो ये कौन लगाएगा स्टेटमेंट में। यस मैम, आधा ना, यू हैव टू, जब आप रिलेशन बता रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन किस चीज के बीच में बता रहे हैं वो पता होना चाहिए, अदरवाइज व्हाट अगर आगे लग जाएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट एम आई सेइंग, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम इफ यू आर नॉट पुटिंग समथिंग बिफोर इट, अगर आप उसके पहले कुछ नहीं लगा रहे हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन सेम है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट एम आई सेइंग, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों का यही मतलब है, बस इसका स्टेटमेंट जो फीलिंग के साथ ये बोला जा रहा है वो उलट जाएगा। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इससे पहले कुछ नहीं लगा रहे। व्हाट एम आई सेइंग मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पहले आप कुछ लगा रहे हो देन यू कैन से दैट इट इज रिलेटेबल, अगर नहीं तो पहले लगने का मतलब है कि ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर ये रिलेशन बताना है तो आपको यहाँ पर रिलेटिवली बताना होगा कि किससे रिलेशन बता रहे हैं, तो मैं
तुम नहीं समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ, तो जो लगता है ना जब आपके स्टेटमेंट में, वो पर्सन है जिसे जेल भेजा गया है, वो लड़की है जिसकी किताब भूल गई, तो जो जब लगता है, जिसका जब लगता है, हिंदी में जब ये वर्ड्स आप यूज करते हैं ना उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जब आप रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है तभी लगाओगे ना जब आप वहां पर स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे, इनकम्प्लीट करोगे स्टेटमेंट तो वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बनने से होगा क्या कि वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, अगर कहीं क्वेश्चन लगा है दैट मीन्स इट इज इंटरोगेटिव, ठीक है। तो स्क्रीन ब्लिंक करने लगा था इसीलिए आई डिडंट कैरी फॉरवर्ड इट, बट आपका ये इंटरोगेटिव मेरे ख्याल से समझ में आ गया है सबको। इंटरोगेटिव में ओनली ऑल दी डब्ल्यूज एंड एच जो है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस रहे डब्ल्यू वाले क्वेश्चन या एच वाले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो वो सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके। ऑलराइट, सो आई देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट। अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास भी पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट। ऑलराइट मैम, ओके, नो डाउट। यू विल, इफ यू विल सेंड दिस पीडीएफ देन इट विल बेटर फॉर अस फॉर रिवीजन। I'll try to send it, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रूल के साथ ही है, तो मैं अगर दोनों साथ में सेंड करूंगी तो बेटर रहेगा, अदरवाइज मुझे पूरा पीडीएफ अलग करना पड़ेगा। I'll try to send it, I'll send a screenshot, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं। थैंक यू मैम।